गाइस क्या आप भी 3 BHK, 4 BHK या पेंटहाउस के ऑप्शंस देख रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे में, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो एवरीवन, आई एम अंशुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल्यम ग्रुप, जहां पे हम आप लोगों के लिए पूरे दिल्ली NCR के कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की डिटेल शेयर करते रहते हैं। तो वैसे ही गाइस, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूं, मैं आज उसकी साइट पे अवेलेबल हूं। इस प्रोजेक्ट का नाम है चिंतामणि बाय ऑक्सीरिज। अगर मैं चिंतामणि इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो ये पूरा लैंड पैक 5.1 एकड़ की लैंड पे बन रहा है। इसमें आपके 3 BHK, 4 BHK एंड पेंट हाउस के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, तो ग्राउंड प्लस 22 की इसकी हाइट रहने वाली है, जिसमें आपका 21 एंड 22 फ्लोर पे पेंट हाउस रहने वाले हैं। अगर मैं लोकेशन की बात करूं, तो साथ में हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे पड़ जाता है, जिससे 500 मीटर के अंदर पे साइट रहने वाली है। यहां से इसकी एंट्रेंस रहने वाली है, पूरी की पूरी जो साइड में ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर मैं पूरे टाउनशिप की बात करूं, तो इसमें टोटल 4 टावर्स आ रहे हैं, जिसकी अगर मैं हाइट की बात करूं, तो ग्राउंड प्लस 22 लेवल की रहने वाली है। और अगर मैं बात करूं, तो 3 BHK, 4 BHK और साथ ही साथ में 3 BHK प्लस सर्वेंट्स एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट्स के इसके ऑप्शंस रहने वाले हैं, जिसके आपके अलग अलग टावर रहने वाले हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूं, तो 21 एंड 22 फ्लोर पे आपका पूरा का पूरा पेंट हाउस रहेगा। छोटा से छोटा साइज हमारा 3500 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्स पड़ता है पेंट हाउस में, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 3 CR के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। अगर मैं प्राइजेस की बात करूं, तो पेंट हाउस यहाँ पे जितने कम रेट्स में मिल रहा है, इतना आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है। अगर पेंट हाउस की बात करूँ, तो 7 to 8 CR से पेंट हाउस स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 CR के अंदर वो पेंट हाउस अवेलेबल होने वाला है। अगर मैं ऑक्सीरिज एज अ कंपनी की बात करूँ, तो ये कंस्ट्रक्शन में बिलीव करने वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन को देख के बनाते हैं। अगर मैं विकास दुआ जी की बात करूँ, ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी एंड फ्रॉम द बैकग्राउंड ही इज़ अ सिविल इंजीनियर, तो आप इस बारे में जान सकते हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन कितनी बढ़िया होने वाली है और सबसे अच्छी होने वाली है। गाइज, अगर आप जानते होंगे, तो गुड़गांव में जो पानी है हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा इसका TDS हाई रहता है, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए यहाँ PM का वाटर सॉफ्ट प्लांट बन रहा है, जिसमें 2.5 CR खर्च हो रहे हैं कंपनी के। तो ये एक्स्ट्रा एडिड खर्चा है जो कि बिल्डर उठा रहे हैं, जिससे कि पानी को सॉफ्ट करेंगे, जिसका TDS लेवल कम करेंगे, और उसी पानी से कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। मैं यहाँ की बात करूँ, तो इसका जो ग्राउंड लेवल रहने वाला है, वो द्वारका एक्सप्रेस से भी 9 इंच ऊपर रहने वाला है, जिससे आपको फ्यूचर में कभी भी पानी नहीं भरने वाला है नीचे की। जो को भी द्वारका एक्सप्रेस वे इन्वेस्टमेंट करना है, और आपका भी टिकट साइज उतना बड़ा नहीं है, या आप इलान में इन्वेस्ट कर सकें, आप M3M में इन्वेस्ट कर सके, जिनकी स्टार्टिंग कॉस्ट 3.5 CR से होती है, तो गाइज आप इस प्रोजेक्ट को जरूर कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको 3 BHK सिर्फ और सिर्फ 1.5 CR के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, और कंस्ट्रक्शन भी जो होने वाली है, वो बहुत ही अच्छे लेवल की होने वाली है। टोटल फ्लैट्स की अगर मैं बात करूँ, तो 350 के फ्लैट्स रहने वाले हैं, 350 आपके पास फ्लैट्स रहेंगे 5 एकड़ की प्रोजेक्ट में। और USPs की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपको 20,000 स्क्वायर फीट का पूरा क्लब आ रहा है। अगर मैं इस क्लब के एरिया की बात करूं, तो बहुत अच्छे लेवल पे क्लब दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा क्लब दे रहे हैं 5 एकड़ के हिसाब से। और मैं बात करूं, तो सारे के सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ जो आपकी होती हैं, वो भी इसमें प्रोवाइड होने वाली है। सेकंड USP की अगर मैं बात करूं, अपार्टमेंट्स की हाइट आपकी 11.6 फीट की रहने वाली है। और साथ ही मैं बात करूं, तो बाकी बिल्डर्स जैसे आपको बीस्पोक अपार्टमेंट्स देते हैं, वो ये बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। इसमें आपको इटालियन मार्बल की टाइल्स मिलेंगी पूरे फ्लोर पे, और बात करूं, तो बेडरूम पे आपको वुडन फ्लोरिंग मिलने वाली है। तो ये आपका बहुत प्लस पॉइंट रहने वाला है इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड होने वाला है पूरा अच्छा से आपको प्रोजेक्ट। साथ ही साथ में इसमें हर एक बेडरूम में अलमीरा भी प्रोवाइड हो रही है। अगर मैं ओपन एरिया की बात करूं, तो मोस्टली जो बिल्डर्स के यहाँ आप बालकनी देखते हैं, वो बहुत छोटी छोटी बालकनी 6-6 फीट की बालकनी होती है। यहाँ पे आपको 41 फीट की बालकनी मिलने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें आपको कितना फायदा रहने वाला है। अगर मैं और बात करूं, तो बीच में सारा का सारा स्विमिंग पूल एंड और सारी एमिनिटीज रहने वाली, हमारा क्लब फेसिंग हमारी यूनिट्स रहेंगी। इस अगर आप भी इस प्रोजेक्ट को कंसिडर करना चाहते हैं या इसको देखना चाहते हैं, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24/7 हमारी साइट विजिट ओपन रहती है, और आपके लिए हम बेस्ट टू बेस्ट रेट्स में ये यूनिट्स अवेलेबल करा सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो, तो डू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि फ्यूचर में जो भी हमारी अपडेट्स होती हैं, वो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।